दोस्तों, विश्व के संपूर्ण रूप देवी से ही प्रकट हैं। अखिल विश्व ही देवीमय है। ऐसे मां आदि शक्ति की उपासना का पावन पर्व चैत्र नवरात्र इस महीने की 17 तारीख तक यानी 17 अप्रैल 2024 तक मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन से हिंदू नव वर्ष यानी कि नव संवत्सर की भी शुरुआत होती है। होली के बाद चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इस दौरान मां दुर्गा की आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि भी कहते हैं। देवी तुलजा भवानी बड़ी माता मानी जाती है तो चामुंडा माता छोटी माता जाती हैं। बड़ी नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और छोटी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 महीने की दूरी है। नवरात्र का मतलब है 9 विशेष रात्रियां। एल इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। एल इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मां जगदम्बे को प्रसन्न करने के लिए भक्त इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मां के विविध रूप भक्तों के लिए उत्पन्न परिस्थिति में करुणा के प्रतीक ही है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में नवरात्रि व्रत रखने के कई लाभ और महत्व के बारे में बताया गया है। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्रत रखना मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मां दुर्गा को सुख संपत्ति और धन की देवी माना जाता है। एल नवरात्रि व्रत की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। नवरात्रि का व्रत रखने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखने से तन मन और आत्मा की शुद्धि होती है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। मां की कृपा प्राप्त होने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। मां अपने बच्चों की सभी गलतियां सभी पापों को क्षमा कर देती है, उन्हें मार्ग पर लाती हैं, दुख कष्ट रहित जीवन प्रदान करती हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन मां की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों थोड़े से प्रयास से ही आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मां की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करके आप अपने कष्ट मिटा सकते हैं, जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर कर सकते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इस उपाय से सदा सदा के लिए मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। ये उपाय नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो रोज 9 दिनों तक आप इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करें क्योंकि ये 9 दिन मां की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दिनों में विशेष लाभ मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, स्वच्छता पवित्रता का ख्याल तो हम हर मंगल समय पर करते ही हैं, लेकिन फिर भी ये उपाय करने के लिए स्नानादि कर स्वच्छ वस्त्र परिधान करें, अशुभ रंग के कपड़े ना पहने। नारंगी लाल गुलाबी पीले हरे ऐसे शुभ रंग के कपड़े पहनकर आप पूजा आराधना करें। मां के समक्ष लाल ऊनी आसन लगाकर बैठ जाए। देवी देवताओं को नमस्कार करें, कलश को नमस्कार करें। कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा का वास होता है और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। उन्हें नमस्कार करके पूजन की शुरुआत करें। अगर आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो आप सबसे पहले कलश के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें, कलश पर कुमकुम से तिलक करें, फूल चढ़ाएं और साथ ही देवी मां की भी पंचोपचार पूजा करें, उन्हें फल मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप एक थाली लेकर उसमें एक खाली दीपक रखें, इसमें बाती नहीं लगानी है, मिट्टी का आटे का धातु का कोई भी दीपक चलेगा। फिर एक कपूर का टुकड़ा शुद्ध घी में डुबोकर फिर इस दीपक में रखें और जलाएं। इसके बाद आप 2 साबुत लौंग यानी अखंड और फूल वाली लौंग लें,
लौंग को भी घी में डुबोकर फिर उसे जलते हुए कपूर पर रख दें और फिर इस कपूर और लौंग की जलती हुई लौ से आप मां के 9 रूपों की आरती उतारें। आरती उतारते समय मां का नाम स्मरण करें। सबसे पहले जय मां शैलपुत्री कहते हुए मां शैलपुत्री की 2 बार आरती उतारें। फिर आप जय मां ब्रह्मचारिणी कहते हुए मां ब्रह्मचारिणी की 2 बार आरती उतारें और ऐसे ही आप जय मां चंद्रघंटा 2 बार मां चंद्रघंटा की आरती उतारें। इसी प्रकार 2 बार मां कुष्मांडा की, 2 बार मां स्कंद माता की, 2 बार मां कात्यायनी की, 2 बार मां कालरात्रि की, 2 बार मां महागौरी की और 2 बार मां सिद्धिदात्री की आरती उतारें। आरती के बाद आप उस थाली को देवी मां के सामने रख दें। अब आप मां के नवार्ण मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इससे मां दुर्गा की 9 शक्तियां जागृत हो जाती हैं। मंत्र जाप के पश्चात देवी मां को नमस्कार करके अपने कष्ट समस्याओं का लेखा जोखा मां के सामने रखें। उन्हें अपनी हर परेशानी बताएं, उन समस्याओं के निराकरण की विनती करें और सदैव कृपा बनाए रखने का आशीर्वाद मांगकर प्रार्थना करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, नवरात्रि में इस तरह देवी मां का पूजन करने से मां की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। पूजन और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सुख समृद्धि आरोग्य यश की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन ये 9 विशेष सिद्धदायक रात्रियों का पर्व है, इसलिए इस उपाय को शाम के बाद करने से विशेष शुभता मिलती है, पुण्य फलों में वृद्धि होती है। नवरात्रि में अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं या किसी कारण व्रत भी धारण नहीं कर पाए हैं तो ये आसान सा उपाय करके आप दुर्गा मां की कृपा पा सकते हैं। हर नवरात्रि पर ये उपाय करने से सदा सदा के लिए देवी मां की कृपा बनी रहती है और जिन पर देवी मां की कृपा होती है उनका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, इस उपाय पूजा आराधना के साथ ही नवरात्रि में जरूरी हैं। कन्या पूजन, शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या के पूजन से धन धान्य की कमी नहीं होती, परिवार में संपन्नता आती है। 4 वर्ष की कन्या की पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को पूजने से निरोग जीवन मिलता है। 6 वर्ष की कन्या की पूजा से विद्या विजय राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या के पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और अरार कार्यों में सफलता मिलती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इसकी पूजा से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा नवरात्रि में सात्विकता अवश्य बरतें। आप व्रत पूजा करें या ना करें, लेकिन मांस मदिरा लहसुन प्याज इत्यादि से दूर रहें, क्लेश कलह से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बुरी आदतों को त्याग दें। साथ ही आप नवरात्रों में कन्या पूजन करें या ना करें, लेकिन आपको ऐसा संकल्प इन नवरात्रि में अवश्य लेना चाहिए कि आप समाज की कन्याओं और महिलाओं को हमेशा आदर भाव देंगे। शायद इस चैत्र नवरात्रि में माता को यही सबसे बड़ी भेंट हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर माता रानी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।